जब देश नए साल का जश्न मना रहा था उस दौरान राजधानी दिल्ली में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। वो घटना इसलिए भी हैरान कर रही है कि एक लड़की को लगभग 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में, हालांकि ये कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर तक उसको घसीटा गया और उसको उसकी जो डेड बॉडी थी वो सड़क किनारे मिली। हालांकि जब इस कहानी का सीक्वेंस पुलिस ने पता किया तो काफ़ी हैरान करने वाले खुलासे हुए। लगभग 3:23 पर जो एक कॉल मिली पुलिस को कि एक बलिनो गाड़ी है जिसमें एक लड़की टंगी हुई है, बंधी हुई है, जिसको घसीट कर एक गाड़ी, जिसका नंबर भी बकायदा PCR कॉलर ने बताया, जिसके बाद ये जो कॉल थी ये कंझावला इलाके की थी, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। यही नहीं, लगभग 4:11 पर दूसरी कॉल आई है कि एक स्कूटी पड़ी है और एक डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस ने जब पूरी मामले की संजीदगी को समझा तो पूरे जो खुलासे थे वो हैरान करने वाले थे। एक लड़की जो नग्न अवस्था में एक सड़क किनारे पड़ी थी, उसकी जो स्कूटी थी वो भी कंझावला के कुछ ही दूरी पर मिली थी। ये बताया गया कि जो गाड़ी थी बलिनो गाड़ी में 5 लोग सवार थे, उस गाड़ी को चला रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि गाड़ी में साउंड सिस्टम ऑन था, उन्हें ये नहीं आभास हुआ कि गाड़ी से कोई टकराया है, गाड़ी से नीचे कोई घसीटते हुए जा रहा है। हालांकि पुलिस का ये कहना था कि इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने इस हादसे में यानी लड़की को घसीटते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अगर कोई गाड़ी से कोई पत्थर भी टकराता है तो उसको आवाज़ आती है, और ये भी पता चलता है कि अगर गाड़ी किसी के ऊपर चढ़कर जा रही है तो वो भी अंदाजा आता है। लेकिन एक लड़की, ये बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के साथ घसीटते हुए कई किलोमीटर तक चली गई लेकिन गाड़ी वालों को आभास तक नहीं हुआ। 5 आरोपी थे, गिरफ्तार हुए, लेकिन सवाल पीछे ये छोड़ गए कि नए साल के जश्न के दौरान राजधानी दिल्ली में जो घटना हुई है वो ऐसी जगह पे हुई है जब लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, कानून व्यवस्था की बात की जाती है, मामले की बात की जाती है कि चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में इस तरीके की घटना हो रही है। हालांकि कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की घटना है, गाड़ियां दोनों अंदर हैं और ये कहा जा रहा है कि आरोपी अरेस्ट हैं, लेकिन परिवार का एलिगेशन है कुछ लड़की के साथ गलत हुआ है। लेकिन क्या गलत हुआ है ये जांच का विषय है, पोस्टमार्टम में साफ होगा। लेकिन अब तक की जांच में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन जिस वक्त देश नए साल का जश्न मना रहा था उस दौरान देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। फिलहाल इसी मामले की पुलिस जाँच भी कर रही है। कैमरामैन अभिनाथ के साथ राहुल प्रकाश, News24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।